8 सेकंड का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि हमारे स्वास्थ्य महकमे का क्या हाल है। सड़क किनारे महिला की डिलीवरी और ये नजारा किसी गांव देहात का नहीं बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ का है। उस पर राजभवन के गेट के पास से सटी हुई जगह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया कि हलचल मच गई। अखिलेश यादव ने लिखा, एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उस पर राजभवन के सामने फिर भी एम्बुलेंस के ना पहुंचने की वजह से एक गर्भवती महिला को सड़क पर शिशु को जन्म देना पड़ा। मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलना चाहेंगे या कहेंगे कि हमारी भाजपाई राजनीति के लिए बुलडोजर जरूरी है, जनता के लिए एम्बुलेंस नहीं। इस घटना पर इसलिए भी सवाल ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि राजभवन से चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, स्वास्थ्य मंत्री का घर है और सिविल अस्पताल है, साथ ही झलकारी बाई अस्पताल है। लेकिन इसके बाद भी ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि एक गर्भवती महिला को सड़क पर शिशु को जन्म देना पड़ा और मदद करने के लिए एम्बुलेंस भी सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई। कुछ दिन पहले विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरा था। सुनिए, ये अस्पताल नहीं चला पा रहे और लग ये रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे और इसलिए अस्पताल नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की। अब 15 सीएससी देने जा रहे हैं प्राइवेट में, 15 सीएससी। और ये तो हमारे छापा मार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया से ऐसी तस्वीरें आना अपने आप में सवाल खड़ा करता है और इसके बाद बीजेपी में भगदड़ भी मच गई। डिप्टी सीएम खुद सामने आए और इस मामले पर पूरी सफाई दी। सिविल में निरीक्षण लगवा करके अपने घर गई तो उसको फिर दर्द महसूस हुआ तो रिक्शे से झलकारी बाई के लिए आ रही थी वो, और अभी डिलीवरी ड्यू नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था। प्री मेच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है और हमने पूरे दाई को बुला लिया था, जो दाई को बुला लिया था और पूरी केयर हम लोग करेंगे, दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी लापरवाही पाई जाएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल बेटी सुरक्षित है और उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, बात भी कर रही है और उनको जो है दवाई इंजाम सब किया गया है। अभी जो प्रेगनेंसी थी वो 4.5 माह की और ये 5वां बच्चा था, 4 बच्चे इनके पहले से हैं और ये जो प्रेरणा केंद्र है उसके पीछे इनका अस्थायी आवास से किराए पर रहा। सर इसके पति का कहना है कि कई बार इससे पहले भी हॉस्पिटल आया गया। मुझे बताया गया है, मुझे बताया गया है और पूरे प्रकरण के जांच के आदेश हमने दिए। सिविल अस्पताल में उनकी भी भूमिका की जांच होगी और कैसे किन परिस्थितियों में घटना हुई है पूरी जांच होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उनके पहले से 4 बच्चे हैं, अभी उनसे भी हमने बात किया है और नम्रता ने भी बात किया है और हम पूरे प्रकरण की जांच के आदेश हमने दिए। इस घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार की पूरी मदद की और फिलहाल महिला काफी हद तक स्वस्थ है। लेकिन इसके बाद भी सवाल ढेरों हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब यूपी में सड़क पर बच्चे की डिलीवरी की तस्वीरें आई हों। एम्बुलेंस के इंतजार में मरीज को ठेले पर लाना, इलाज के इंतजार में बीमार का दम तोड़ देना, स्वास्थ्य महकमे का ये खोखलापन अक्सर दिखता है। हाँ, सरकार की तरफ से तेजी सिर्फ तभी होती है जब मामला तूल पकड़ रहा होता है।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।